बार फिर बहन सुप्रिया जो मार्कोस अकेडमी की छात्रा है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है और मेहनत करने के बाद आज बहुत खुशी के दिन है क्योंकि 40 नंबर उठाना, ये बहुत कड़क धूप है, धूप में दौड़ने में कैसा लग रहा था? इनको ये नहीं लगा कि 1 किलोमीटर दौड़े हैं, कुछ पता नहीं चला। ये बहादुर लड़की है, एकेडमी में भी ऐसे ही करती थी। और गोला बहुत अच्छा फेंका, गोला कहाँ कितना गया? 15-16 लाइनिंग पे गया है गोला ना, वेरी गुड। और हाई जंप, हाई जंप 3-8 की है बहन, वहाँ 4 फीट भी किया करती थी, 4 फीट क्लियर था ना, और यहाँ पे 3-8 हुआ। कोई टेंशन नहीं है, मुझे IPS नहीं बनना है, सिपाही का बहाली निकालने के बाद लोग सिपाही ही बनते हैं, DSP नहीं बन जाएंगे। हमें बस क्वालिफाई करके इतना अंक उठाना है कि मेरी मेरिट लग जाए, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। हमें इसके लिए ओनली क्वालिफाई के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। गड्ढा कितना ऊंचा है? अपना गड्ढा के बराबर था? बड़ा वाला के बराबर नहीं था, यानी कि 1.5 फीट का गद्दा, एक जगह मैं बताया था पिछले वीडियो में कि एक गद्दा छोटा है और एक गद्दा बड़ा है, तो 1.5 फीट का गद्दा भी यहाँ पे है। तो आपको जंप में ध्यान देना है, जिसका 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख को है वो अच्छे से उछाल लगाएंगे। उछाल अगर सीधर मार रहे हैं तो बाएं पैर पे उछाल पूरा लाएं, और बाएं पैर में दर्द हो रहा है तो बैलोना इक्वा लेके आए सुई, ताकि पैर में दर्द नहीं हो, और अच्छे तरीके से यहाँ पे हाई जंप लगाएं। तो गोला कैसा है? सेम गोला है जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं ना, सेम गोला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंदर भी है बढ़िया, सबका अच्छे से सब कुछ फास्ट हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपको अगर कुछ करना है तो आप लगातार यहाँ के न्यूज़ से बने रहें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लड़कियाँ 40 किलो हैं डर रही है और डर से छट जा रही है। 45 किलो सिलेक्शन हो जा रहा है तो 40 किलो क्यों नहीं होगा। पानी पियो अच्छे से, और आपको फॉलो करना पड़ेगा सारा चीज़ को। केला खाओ, पानी पियो, खजूर खाओ और घी चावल बिल्कुल खाओ। 3 तारीख 4 तारीख जिसका है 4 किलो वजन ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट दौड़ो, एक दिन बीच करके दौड़ो, क्योंकि अब आपको वजन चाहिए। तो इस बहन के लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि बहन ये हमारे देश की बेटी है, बिहार की माटी की बेटी है, बिहार की धरती की बेटी है, ये किसी से कम नहीं है। और बिहार हमेशा पूरे इंडिया में आगे रहा है और आगे रहेगा। मार्कोस डायरेक्टर की तरफ से जो जोरदार बधाई, और एक बार इस बहन को सलूट करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।